स्ट्रॉन्ग पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हर विद्यार्थी का होता है। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ के बैठो नॉर्थ साइड तक। क्वेश्चन छपेंगे या नहीं छपेगा मैटर नहीं करेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा बढ़ा देगा कि उसको कोई भगवान भी आकर के चैलेंज नहीं कर सकता। और अभी जो गेम चलेगा वो चलेगा कॉन्फिडेंस के दम पे। मैटर तो सब कुछ पढ़ रखा है। अभी मैं आपको जिनको फंडा जबरदस्त आती है उनको फंडा पढ़ने का क्यों बोला, क्योंकि जब तक फंडा तगड़ी आती है और वो फंडा पढ़ेंगे तो उन्हें गजब का यूं अंदर ही अंदर यूफोरिया होगा कि इस बार नॉर्थ साइड को ले डूबूंगा। तो जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग जोन आता है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मेंटेन करता है। और अधिकतर जो लोग आपको सलाहें देते हैं या अधिकतर आप अपना दिमाग लगाते हो कि जो नहीं आता है वो पढ़ता है, अरे बेवकूफों की तरह हरकतें मत करो। जो आज तक नहीं आया वो आज कैसे आ जाएगा, छोड़ो उसको मारो गोली, जो आता है उसे तगड़ा करो। तो मेरा भी तरीका, मेरे जीवन में यही तरीका था। कई बच्चे बोलते रहते ना सर आखिरकार आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, आपका क्या तरीका रहता था। तो जब तक पेपर नहीं आए तब तक तो वो सब्जेक्ट पढ़ो जो तुम्हें नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हाथ पैर धोकर के पढ़ जाओ तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा। ये कम्युनिटी वगैरह सब्जेक्ट है ना, ये सबसे कुछ समय ऐसा था कि मेरे उस टाइम में वीक जोन था, लेकिन आज ऐसा धुआं धुआं कर देता हूं कि कम्युनिटी मेरे ट्रिप्स पे देखने को मिलती है। और नर्सिंग का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो टिप्स पे नहीं है, हर सब्जेक्ट टिप्स पे हो गया। क्यों? रेशनल के दम पे। तो जब तुम्हारे पास में संपूर्ण समय होता है उस टाइम तो उस टॉपिक के पीछे पढ़ो जो तुम्हें नहीं आता है, लेकिन जब समय नहीं होता है, जब पेपर का समय आ जाता है तो उस सब्जेक्ट के पीछे पढ़ो जो तुम्हें बेहतरीन आता है। अरे उसके मुकाबले तुम्हें कुछ नहीं है, उसके पीछे पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इतना जबरदस्त कर देगा। और सिलेक्शन फिर बता देता हूं मेरे भाई बहनों, कॉन्फिडेंस के दम पे निकलेगा मैटर, हर लाइन याद आएगी। और वो कब आएगी? जब तुम पॉजिटिव सोचोगे, तुम जबरदस्त दिमाग से सोचोगे। अरे जब तुम ब्रॉड माइंड से सोचोगे ना, तब तुम्हें क्वेश्चन याद आएंगे कि हां सिद्धार्थ सर ने 360 के उस एपिसोड में बोला था, अरे वहां ईसीजी लपेटी थी, वहां ईटी लपेटा था, वहां टीटी लपेटा था, अरे वहां वेंटिलेटर पढ़ाया था, वहां ये पढ़ाया था, वहां जीआईटी पढ़ाई थी, वहां एंडो पढ़ाया था, वहां नर्वस पढ़ाया था। वो सारी चीजें तभी आएगी, चलेगा। ओबीजी बिल्कुल नहीं आती छोड़ दो, कमला ओबीजी नहीं आती छोड़ दो, जो आता है वो पढ़ो। साइकेट्रिक नहीं आती साइकेट्रिक छोड़ो,